अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नसरीन और आज मैं बनाने जा रही हूँ दही और अंडे, दही अंडे की रेसिपी, मसाले वाली दही अंडे की रेसिपी है। और ये मेरा पैन है, इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है, 2 चम्मच ये वाला मेरा है, इसे तेल डाला है। और ये मेरा तेल अभी गर्म हो रहा है। हाँ देखिए, ये मेरे 4 अंडे हैं, 4 अंडों का मैं बना रही हूँ। और इसमें जो है, मैं ये भगार के लिए मेरे जो रखा है, ये 1/2 चम्मच से भी कम जीरा है, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 2 लौंगे हैं, और 1/2 चम्मच से कम ही मेरी जो है ये मेथी दाना है। और ये देखिए, मेरा ये भगार का है और ये मेरा मसाला है, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च, और हल्दी है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मेरा धनिया पाउडर है, और ये काली मिर्च का पाउडर है, पिसा हुआ जो काली मिर्च पाउडर है वो 1/2 चम्मच से कम है, और 1/2 चम्मच नमक। ये दही है मेरा, ये करीब 4 चम्मच लिया है मैंने भर के, और दही मेरा सही है, ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं लिया है। और ये जो है एक छोटे साइज़ का ही टमाटर है, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्च भी पीस ली है, मैंने ग्राइंड कर ली है। और ये जो है क्या कहते हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज होगी, छोटी प्याज थी, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं। ये है मेरा इंग्रेडिएंट। अब देखिए, मेरा इधर जो है तेल हो रहा है, अब मैं इसमें, और मेरा जो है गैस का फ्लेम जो है स्लो, वही है, लो है। ये देखिए, मैंने एक साथ ही सारी चीज़ें इसमें कर दी हैं, ये हो गया है। अब मैं इसमें जो है वो डालूंगी प्याज, इसे ढक करके हम डालेंगे प्याज। ये देखिए, जब हमने प्याज डाली तो ये जो है ये खूब बहुत तेज उसमें जो है उछलने कूदने लगता है इसका तेल, तो इसे थोड़ा ढक लीजिए जिससे हाथों हाथों पे छींटे ना आए। ये देखिए, ये हमारी प्याज हो गई है, तो वो हमने अब जो है ये मसाले डाल दिए सारे। इसी पोजीशन पे हमें ये टमाटर भी डालना है, जो टमाटर और हरी मिर्च एक साथ ही पीसी है, ये 2 इसमें मिर्ची हैं। ये 4 अंडों का है, ज़्यादा का बनाएंगे आप लोग तो ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल के मसाले ज़्यादा कर लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। इसके 8 अंडों करेंगे तो इसके 2 मसाला। ये देखिए, दही है और दही अंडे बन रहा है, इसलिए दही तो पड़ना ज़रूरी है। देखिए, मसाला भून रहा है, खूब ढेर सारा दही डाला है इसमें, और ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल डाल के भून रहे हैं, 1-1 चम्मच। जी देखिए, मैंने जो है लो फ्लेम कर रखा है, और लो फ्लेम पे ही मेरा ये मसाला पक रहा है, करीब 2 से 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए। देखिए देखिए, अब इसने जो है तरी छोड़ दी है, तेल ऊपर दिखने लगा अच्छा सा। लो फ्लेम पे भी हल्के हल्के आँच होती रहती है, ढक के आप रख दीजिए तो आराम से हो जाता है, फिर मसालों की इतनी खुशबू आती नहीं है। देखिए कितना अच्छा सा एक दूसरे से सब मिक्स हो गए हैं मसाले, बढ़िया सा लग रहा है। अब हम जो हैं इसमें हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा चक से पानी डालेंगे। ये हर सब पानी डाल दिया है, अभी हम इसमें जो है अब अंडे डालने जा रहे हैं हल्का सा, क्योंकि अभी अंडों को ही पकना है ना इसमें, तो अंडे भी हम इसे, अब हमारा फ्लेम देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बन रहा है ये सब। अब ये मेरे अंडे हैं,
मैं इसे फोड़ के इस पे देखिए ये ऐसे पड़ेंगे, फुल अंडा पड़ जाएगा। अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए ऐसे, अलग तरीके का है इसे। अब देखिए बना के आप लोग, उन बच्चों के लिए बहुत आसानी है जिनके लिए, जो इस वक्त अपने अपने घरों में है, घर से बाहर गए हुए हैं, उनकी वजह से ही सारे बहुत जो है मसाले बहुत आसानी वाले ही रख रही हैं, जो घर में भी मिल जाए आसानी से, बच्चों को परेशानी ना हो। बहुत आसानी से बन जाते हैं, पाँच ही मिनट लगते हैं बनने, 5 से 10 मिनट का। देखिए, और ये मेरा फ्लेम जो है इस टाइम वो चल रहा है, लो फ्लेम है, फ्लेम को मैंने ज़्यादा नहीं तेज किया हुआ है। और देखिए ये जो है बनना शुरू हो रहा है, पकना पकने, और इसे हल्की आंच पे ही रखेंगे, लो फ्लेम ही रहेगा हमारा। और हम इसे अभी 5 मिनट बाद खोल के देखते हैं। अभी इसे हमने बंद कर दिया है, कवर करके रख दिया है, अब इसे 5 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए हम अब इसे 5 मिनट में नहीं, 2 मिनट में ही देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से देख रहा है कि अंडे हो रहे हैं, तो 2 मिनट में ही खोल दिया है हमने। फ्लेम को भी हमने ज़रा सा हाई कर दिया था, थोड़ा हाई। अब ये देखिए, ये हमारा जो अंडा है इसको हमें ऐसे पलटना है, देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ये पूरा जो साइज है ये पलट दिया जाएगा, ऐसे करके पलट दिया जाता है ये पूरा। अब देखिए ये हमारे अंडे जो हमने पलट दिए थे, ये अंडे हमारे पूरी तरीके से हो गए, खूब अच्छा सा तेल भी आ गया है। और ये डिश हमारी ऐसी है कि मतलब घर में कुछ ना हो अगर अंडे हैं तो हम अंडे का ये स्पेशली खाना अच्छा लगता है। कभी कभी कोई मेहमान भी आते हैं, उन्हें बना के खिला देते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि अलग तरीके की कोई डिश मिली खाने को, तो अच्छा है ये, बढ़िया। देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ इसे, अलग अलग तरीके का है ये। इसे पूरा अंडा है ना ये एक्स्ट्रा, तो इसको ऐसे हो गया है। और ये देखिए देखिए कितना बढ़िया सा बन के आया है, बहुत अच्छी सी बढ़िया खुशबू है। जब घर में कुछ ना हो, अचानक मेहमान आ जाएं, तो सबसे अच्छी, अंडे तो ज़्यादातर होते ही हैं सबके घरों में होते हैं। तो ये देखिए मेरी डिश को, और खूब अच्छा सा मसालेदार डिश बनी है ये मेरी, ये बढ़िया से। देखिए कैसी लग रही है, और ट्राई करिए, और अच्छी लगे वीडियो तो मेरे इस रेसिपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए, और बेल आइकॉन का को टच करिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और कमेंट करिए जिससे मोटिवेशन मिले मुझे, और मैं अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाऊं। और जो कोई वीडियो चाहिए है तो वही बताइए।